नमस्कार दोस्तों, सर्दी आने वाली है और यह है सबसे राइट टाइम एक वाटर हीटर परचेस करने का। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहे हैं रेकोल्ड एंड्रिस 15 लीटर के वाटर हीटर का। रेकोल्ड भारत की एक जानी मानी कंपनी है वाटर हीटर्स के अंदर। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या खास है इस गीजर के अंदर और शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन बॉक्स और ये दो कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट एंड बीज एंड व्हाइट एंड ब्लैक। तो हमारे पास में आज कलर है व्हाइट एंड बीज। रेकोल्ड रिबॉर्न एवरीडे विथ हॉट वाटर, एंड्रिस उनो इसका नाम है मॉडल का। 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ में और 4-स्टार रेटेड ये एक वाटर हीटर है। इसका एमआरपी 10,899 रुपए है, लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप इसकी लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है हमारी कंप्लीट यूनिट जो कि हमें इस बॉक्स के साथ में मिलती है। एक मिलता है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। एक दो मिलते हैं हमें इसके ये स्क्रूज जो कि आपको इसको माउंट करने के काम आएगा। एक है इसका क्लैंप जिस पर कि गीजर माउंट होगा, और दो हैं इसके पाइप्स को कनेक्ट करने के अटैचमेंट्स, और एक है ये मल्टीफंक्शनल वॉल्व जो कि प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, ये हमारी मेन यूनिट। सबसे पहले हम एक गीजर को चार भागों में, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चार भाग होते हैं उनमें बांट सकते हैं। इसका ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी, दूसरा टैंक, तीसरा एलिमेंट और चौथा इसके सेफ्टी अटैचमेंट्स, सेफ्टी लेवल्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो इसका एंड्रिस उनो का जो प्लास्टिक क्वालिटी है, ये पॉलीप्रोपिलीन मतलब कि बहुत हार्ड क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है, जिससे कि इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और ये रस्ट फ्री भी हो जाता है। ओवरऑल फिनिशिंग काफी शानदार है। दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, व्हाइट एंड बीज एंड व्हाइट एंड ब्लैक। सामने फ्रंट में रेकोल्ड का ब्रांडिंग है। यह है टेम्परेचर कंट्रोलिंग नॉब और यह है इसका एलईडी इंडिकेटर। दोस्तों, अब किसी भी गीजर का जो सबसे जो जरूरी पार्ट होता है वो होता है उसका टैंक। रेकोल्ड एंड्रिस उनो वाटर हीटर का जो टैंक है, ये स्पेशली डिजाइन टाइटेनियम स्टील से बना हुआ है, जिसमें कि टाइटेनियम इनेमल का कोटिंग भी किया हुआ है। टैंक के अंदर की तरफ टाइटेनियम इनेमल का कोटिंग किया हुआ है। मार्केट में अभी आपको ज्यादातर दो तरह के टैंक्स मिलेंगे, ज्यादातर उसमें भी ज्यादातर मिलेगा तो ग्लास लाइन टैंक मिलेगा। ग्लास लाइन टैंक बेसिकली 750 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, वहीं टाइटेनियम इनेमल जो कोटिंग होती है, ये टाइटेनियम इनेमल जो टैंक होते हैं ये 850 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है वो कंपेयर टू ग्लास लाइन टैंक ज्यादा होती है। दूसरी चीज, पफ इंसुलेशन। पफ इंसुलेशन बेसिकली गीजर के अंदर अगर हमने पानी गर्म कर दिया तो उसके टेम्परेचर को रिटेन या मेंटेन करने का काम करता है। तो सस्ते गीजर्स में पफ इंसुलेशन बहुत कम या फिर कम डेंसिटी का होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन इस गीजर के अंदर पफ इंसुलेशन काफी अच्छी डेंसिटी का और बहुत मोटा है, जिससे कि टेम्परेचर को बहुत देर तक मेंटेन करके रखेगा। उसके दो फायदे होंगे, एक तो बिजली का बिल कम आएगा तो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, दूसरी चीज आपकी जेब के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके पैसे बिजली के बिल में बचेंगे। अब जो एलिमेंट है ये 100% कॉपर में बना हुआ है, तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। 2000 वॉट का एलिमेंट है, 8 बार प्रेशर कंपेटिबल है। आप इसको आराम से आप इसके प्रेशर पंप, आपके प्रेशर पंप के साथ में चला सकते हैं, या फिर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो वहां पर भी ये कंपेटिबल है। दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स की अगर हम या सेफ्टी लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमें तीन तरह के सेफ्टी लेवल्स मिलते हैं। पहला है थर्मोस्टेट। अगर इनकेस थर्मोस्टेट फेल हो जाता है तो काम करेगा कट ऑफ, तो हमें एक वो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसमें कट ऑफ भी दिया हुआ है। और तीसरा हमें इसमें मिल जाता है ये प्रेशर वॉल्व, मल्टीफंक्शनल वॉल्व, तो हमें ये प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो तीन सेफ्टी लेवल्स भी दिए हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। जब हम 9000 रुपए के आसपास का गीजर परचेज करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी खासी होती है, लेकिन सबसे जो जरूरी चीजें, एलिमेंट और टैंक दोनों बहुत शानदार क्वालिटी के बने हुए हैं। रेकोल्ड एक जानी मानी कंपनी है भारत की जो कि गीजर्स के अंदर काफी अच्छा पकड़ रखती है, काफी बड़ी रेंज आती है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी वैसे काफी अच्छी है क्योंकि टाइटेनियम स्टील का टैंक, टाइटेनियम इनेमल कोटिंग, रेकोल्ड का एक विश्वास, इसका सर्विस नेटवर्क भी काफी बड़ा है। इंडिया में लगभग ये 50 सालों से काम कर रही है, तो काफी बड़ा सर्विस नेटवर्क है इनका, तो सर्विस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा जरूर है। क्यों? क्योंकि एक अगर मैं बात करूं कि इस प्राइस रेंज में जो ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो आपको टैंक पर 7 इयर्स की वारंटी देती है और एलिमेंट के ऊपर 4 साल का वारंटी देता है, वो इसमें आपको मिलती है 5 साल टैंक पर और 3 साल एलिमेंट पर, 2 साल कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर है, तो वारंटी थोड़ी कम है। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है। 4-स्टार रेटेड ये गीजर है। 10 और 15 लीटर की अगर आप गीजर लेते हैं तो 4-स्टार में है, 25 लीटर का गीजर 5-स्टार रेटिंग के साथ में आता है। तो वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफी शानदार है। और अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपके क्या सुझाव होते हैं या फिर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स है, उसका यूज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।